रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड होने लगा, चलिए ठीक है यहाँ से, तो फिर ये अपलोड कर देंगे हम, तो जिसका छूट रहा होगा वो कवर कर लेगा दोबारा, ठीक है। तो हमने अभी फिलहाल यहाँ एक सरफेस ली है SPS- सेपरेटिंग द टू मीडिया, इस साइड रेयरर है, दिस इज वन, एंड इस साइड डेंसर है, दिस इज टू। और अब हम ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज ले सकते थे, ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज में से हमने एक रे ली डैश टचिंग द SPS डैश एट ए। नाउ अब आपको पता है कि यहाँ रेयरर टू डेंसर का मोमेंट है, तो रेयरर टू डेंसर के लिए नॉर्मल ढूंढिए, नॉर्मल की तरफ लाइट रे को बेंड कर दीजिए। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ए को ज्वाइन करते तो हमें मिल जाता नॉर्मल। नाउ दिस लाइन विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। अभी जो ये रे है डेस्ट, इसको जाना तो ऐसे था डेस्ट, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगे तो ऐसे निकल गई। मीन्स दिस रे इज गोइंग अलॉन्ग ओ ए, एंड आफ्टर टचिंग द ओ ए, आफ्टर टचिंग एट ए कमिंग फ्रॉम ओ, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई तो ऊपर की तरफ ब्लू है, तो उस साइड जो है ये बेंड हो गई। और अब अगर हम एक नॉर्मल इंसिडेंस बना लें, दिस इज अ नॉर्मल इंसिडेंस, ये सीधी निकलने वाली है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस, ये पोल से होके चली गई, ये सीधी, फिर आपको रियल इमेज नहीं मिलेगी। देखिए ये दिस इज गोइंग टू डाइवर्ज लाइक दिस। अब अगर हम इसको बैक साइड प्रोड्यूस करें, इसको बैक साइड प्रोड्यूस करें, तो जैसे ही हम बैक साइड प्रोड्यूस करेंगे, देखिए ये स्केल रख के आपको आदत बनानी होगी, मुझे पता है अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट बन रहा है डेस्क, यहाँ आपको इमेज मिलेगी। इसका मतलब है जब ये ऑब्जर्वर SPS डैश के थ्रू ओ को देखेगा तो उसे फाइनल इमेज एट आई पर मिलेगी। आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स के केस में जो ओ है वो रिफ्रैक्शन के बाद फेंका गया है अवे टू द ऑब्जर्वर यानी आई पर, और अगर वही चीज कॉन्केव है, ऑब्जेक्ट जिस साइड है उस साइड से नाम रखते हैं, तो दिस इज द कॉन्केव। तो अगर ये कॉन्केव है तो उस केस में आप देख रहे हैं कि जैसे ही ऑब्जर्वर SPS डैश के थ्रू ओ को देखेगा, ओ मूव टुवर्ड द सरफेस एंड अपीयर्स एट आई। दिस टू डायग्राम्स आर द रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब चलिए साइन कन्वेंशन पर कमांड कर लेते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बीच में। चलिए साइन कन्वेंशन आइए, साइन कन्वेंशन में आप हमेशा अपने आप को पोल पर मेंटेन रखिए, हमेशा हम आपको चार पांच अच्छे तगड़े न्यूमेरिकल लगा के दिखाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, आप कभी कंफ्यूज ना हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, N2 है कि 2N3 है कि 3N2 है कि 2N1 है। एक कमांड देंगे और दूसरा कमांड ये देंगे कि आप बहुत आसानी से साइन चूज कर पाएंगे विदाउट एनी एरर। फिलहाल आप पोल पर मेंटेन हो जाइए। अब पोल पर मेंटेन होने के बाद जिस डिस्टेंस को आप यूज करना चाहते हैं उसका साइन आप देखिए, प्लस लेना है या माइनस। रूल ये है कि अगर आप लाइट रे के डायरेक्शन में चलते हैं किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो आपको पॉजिटिव लेना चाहिए, और अगर किसी पॉइंट तक चलकर आप गए अपोजिट टू द लाइट रे चलना पड़ा है तो उस केस में आप साइन नेगेटिव लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ अगर आप चलते हैं मेजरमेंट के लिए तो पॉजिटिव लीजिए, नीचे उतरते हैं तो नेगेटिव लीजिए। ये तो मैथमेटिक्स की तरह हो गया, एक्स क्वाड्रेंट वाई क्वाड्रेंट वाला चक्कर है, जैसे ये एक्स एक्सिस होता है, जैसे ये, हाँ हाँ रेड वाला नहीं दिख रहा है, मुझे याद आ गया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव होता है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव होता है, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव होता है, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव होता है, यही तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती है। तो दोबारा आइए, साइन कन्वेंशन यहाँ क्या कहता है, साइन कन्वेंशन ये कहता है कि अगर आप पोल पर मेंटेन है, चलिए आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस आर की वैल्यू पुट करनी है, पोल पर खड़े हो जाइए,
चलकर सी तक जाइए, पी से सी तक जाएंगे तो इन द डायरेक्शन आप लाइट रे चले हैं, मीन्स यहाँ से यहाँ तक के लिए जब आप चलेंगे तो इन द डायरेक्शन आप लाइट रे चले हैं, आर जहां भी पुट होगा उसकी वैल्यू प्लस साइन के साथ पुट की जाएगी, प्लस आर पोल पर मेंटेन हो जाइए, आप टू ऑब्जेक्ट तक चलकर आइए, ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को आप यू कहते थे, देख रहे हैं पोल पर खड़े हैं, ऑब्जेक्ट तक चलकर आएंगे तो ऐसे चलकर आएंगे, दैट इज नेगेटिव, अपोजिट टू द लाइट रे चलते हैं तो वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे चलते हैं तो वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, दिस मीन्स दैट पोल पर मेंटेन होइए, चल कर आइए ऑब्जेक्ट तक, अगेंस्ट टू द लाइट रे चल रहे हैं तो दिस इज द माइनस यू, यानी जो फार्मूला होगा उसमें जब पुट करने की बात आएगी आप पुट करेंगे वैल्यू, तो वैल्यू पुट करते ही ये वैल्यू आपको नेगेटिव U की वैल्यू नेगेटिव पुट करनी होगी, जब V की बात होगी तो V के केस में देखिए अगेन पोल पर मेंटेन हो जाइए, चल कर आइए अप टू द इमेज आई, जब चल कर आप आएंगे तो देख रहे हैं रे तो ऐसे जा रही है और आना ऐसे है, दिस मीन्स दैट इमेज डिस्टेंस V इज टू बी टेकन एज नेगेटिव, अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट को ऐसे बना दें तो अप साइड इट इज पॉजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट को हम ऐसे बना दें तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव, इसी तरह यहाँ इमेज अगर ऐसे बनी होगी दिस, तो दिस विल बी द नेगेटिव डाउन साइड, दैट इज नेगेटिव इमेज, यानी कि इमेज की जो लेंथ होगी उसको हम नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। हाँ प्रथम कुछ पूछना है क्या? हाँ देखिए प्रथम ये जो इमेज को इमेज अगर लेफ्ट साइड बन रही है जहाँ इमेज पहले बन थी तो अगर नीचे वाली बन रही है तो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है तो उसको नेगेटिव लें, ऊपर बन रही है तब ऊपर बनती है, जैसे जो इमेज बनेगी जैसे कहते हैं ना इन्वर्टेड इमेज, तो इन्वर्टेड इमेज जब वर्ड आएगा तो मतलब नेगेटिव, और जब इरेक्ट इमेज आएगा तो इरेक्ट इमेज मतलब वर्ड पॉजिटिव, तो बता तो रहे हैं दिस इज इरेक्ट, दिस इज इन्वर्टेड, दिस इज इन्वर्टेड, दिस इज इरेक्ट, जो जिसका एरो अवे टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा अप वो पॉजिटिव होंगी, और जो यानी बोर्ड या कापी पर दो ही तरह से इमेज बनेगी, या तो एरो अप बनेगी या एरो डाउन बनेगी, इमेज चाहे ऑब्जेक्ट, अगर एरो अप है तो इस टू बी रिटेन एज पॉजिटिव, ये नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ये मतलब नहीं है, मतलब है एरो अप, एरो अप है तो आपको पॉजिटिव लेना है ऑब्जेक्ट इमेज जो भी है, एरो डाउन है तो नेगेटिव लेना है, वो ऑब्जेक्ट का था, यही चीज इमेज के लिए है, अगर इमेज में एरो डाउन है तो इमेज इज इन्वर्टेड, और अगर एरो अप है तो मतलब इमेज इज इरेक्ट, इससे नहीं मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, क्लियर है? यस सर। हाँ तो ठीक है, वापस आ जाइए यहाँ पे, आप फिर पोल पर मेंटेन हो जाइए, चल कर आइए सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो अगेंस्ट चल रहे हैं माइनस रेडियाई ऑफ कर्वेचर, यानी जब आर की वैल्यू पुट करने जाएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे, फिर पोल पर खड़े हो जाइए, चल कर आइए इमेज तक चल कर आएंगे तो आप ऐसे चल कर आएंगे, हर बार आपको पोल पर मेंटेन होना है, चल कर आना है, अगर इन द डायरेक्शन आप लाइट रे चल रहे हैं तो प्लस ले लीजिएगा, अपोजिट टू द लाइट रे चल रहे हैं तो माइनस ले लीजिएगा, अब पोल से चल कर आएंगे इमेज तक तो ऐसे चल कर आएंगे तो दिस बिकम्स नेगेटिव वी, पोल पर खड़े हैं आप चल कर ऐसे आएंगे तो इस केस में आपको लेना होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज द माइनस यू, अब हम आपको प्रैक्टिस करा दें, दो तीन डायग्राम में हम यू वी आर लिख दे रहे हैं, रे की डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं और अब आपसे पूछ रहे हैं कि यू पॉजिटिव है कि यू नेगेटिव है कि वी पॉजिटिव है कि यू नेगेटिव है, देखिए क्या आप बता पा रहे हैं, अगर हाँ तो फिर हम डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं तो वापस हम साइन कन्वेंशन क्लियर करेंगे, तो जरा बना लेते हैं एक डायग्राम और उसमें आपको हम आपसे पूछते हैं कि यू प्लस है माइनस है, आर प्लस है माइनस है, ऑब्जेक्ट प्लस है माइनस है, इमेज प्लस है माइनस है, देखिए बता पाते हैं आप, सॉरी रेड से नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा नाउ सेपरेटिंग, नाउ ऑब्जेक्ट इज दिस, रे इज दिस, इमेज इज दिस, सेंटर इज दिस, ऑब्जेक्ट इज दिस एंड इमेज इज दिस,
चलिए बताइए मुझे, अगर लाइट रे ऐसे चल रही है एंड दिस इज द पोल, आप पोल पर आए हैं, तो इमेज डिस्टेंस जो होगी वो प्लस होगी कि माइनस? नेगेटिव। सही है, जब पोल पर आप मेंटेन हो जाओगे और चलकर इमेज तक जाओगे तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेवलिंग लाइट रे अगेंस्ट हो गया नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगी तब तो हो जाएगी। यस सर। ऑब्जेक्ट लेंथ आपको क्या लेना है, प्लस की माइनस? ये लेंथ प्लस लेना है कि माइनस लेना है? पॉजिटिव लेना है। हाँ ऑब्वियसली ये पॉजिटिव इसलिए लेना है क्योंकि एरो अप, हमेशा एरो अप कॉल्ड इरेक्ट, यानी हमने ऑब्जेक्ट इरेक्ट लिया है, तो इसकी वैल्यू अगर कहीं पुट करनी पड़ी ऑब्जेक्ट लेंथ की वैल्यू, तो प्लस जो भी होगा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर वो हम पुट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को क्या लेंगे, प्लस की माइनस? प्लस, पॉजिटिव। सही है, हम पोल पर मेंटेन हो जाएंगे, चल कर आएंगे तो ऐसे पहुंचेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट भी पड़ गए, तो ये हम लेंगे प्लस आर। नाउ हमने कहा ये इमेज है हवा में ऐसे दिख रही है, तो इस इमेज की ये लेंथ है, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो इसको प्लस वैल्यू के साथ रखेंगे कि माइनस वैल्यू के साथ? माइनस। नेगेटिव, जब इन्वर्जन हो जाता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर मैं कहता दिस इज द टू मीडिया टू एंड दिस इज द मीडिया वन एंड रे रनिंग फ्रॉम दिस टू दिस, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन लिखते थे वो क्या लिखेंगे, वन एन टू लिखेंगे कि टू एन वन लिखेंगे? टू एन वन। ऑब्वियसली इस डेरिवेशन में जहां जहां एन आएगा वो एन होगा, दो से एक में जा रहे हैं, सो दिस इज द टू एन वन। नाउ टू एन वन प्लस आर प्लस वी प्लस यू, सॉरी माइनस था यहाँ पे, माइनस वी, हाँ ठीक है, माइनस यू एंड प्लस आर, रिलेशन बिटवीन द आर वी यू एंड एन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रू स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर है? अब आप ये बताइए इस सरफेस का नाम कॉन्वेक्स रखें कि कॉन्केव रखें, सोच के बताइएगा। ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, इधर से जब आप देखेंगे ऐसे तो नाउ दिस दिस बिकम्स द कॉन्वेक्स, ये आपको कॉन्वेक्स दिखेगा। सही है, तो आपको आ तो गया साइन कन्वेंशन, हमको तो नहीं समझ में आया था, आज तक कभी नहीं समझ में आया, पढ़ाना अलग बात है कि पढ़ा देते हैं लेकिन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और आपको एक बार और दिखाते हैं। एक सरफेस हमारे पास है, दिस ये वाटर है एंड दिस इज ग्लास, वाटर को W लिखते हैं, ग्लास को G लिखते हैं, हमने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा O, ठीक है, इमेज ऐसे बन गई I, ठीक है, इसका सेंटर ढूंढा तो सेंटर हो गया दिस, ठीक है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इधर है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर है, तो ऑब्जेक्ट रे ऐसे चली होगी, यानी ये रे की डायरेक्शन है। अब मुझे बताइए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट लेंथ lo, इमेज लेंथ li और रेडियस ऑफ कर्वेचर r, किसके आगे प्लस लगाए किसके आगे माइनस लगाए? u के आगे प्लस लगेगा या माइनस, v के आगे प्लस लगेगा या नेगेटिव? माइनस आगे नेगेटिव। चलिए ये पोल हो गया, हाँ पोल हो गया, खड़े होइए यहाँ पे, चल कर आएंगे तो अपोजिट टू द लाइट रे चल कर आए, पोल पर मेंटेन हो जाइए, इमेज तक चल कर आइए, अपोजिट टू द लाइट रे चल कर आए, माइनस वी, माइनस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस या माइनस? माइनस। ऑब्वियसली माइनस इसलिए क्योंकि इन्वर्टेड है, इसके नहीं मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, मतलब ये है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड है, ठीक है, और इमेज लेंथ ऑफ इमेज प्लस लेना है कि माइनस? माइनस माइनस लेना है, इन्वर्टेड है, तो दिस इज माइनस एल आई।
आर प्लस लेना है कि आर माइनस लेना है? पॉजिटिव प्लस। सही है, पी पर मेंटेन हो जाइए, चल कर जाएंगे सेंटर आपका रेचर तक, तो इन द डायरेक्शन आप सी मेंटेन है, और अगर अप टू सी तक पहुंचने में इन द डायरेक्शन आप लाइट चल रहे हैं आप, तो अगर पी से सी की तरफ जा रहे हैं तो इन द डायरेक्शन आप लाइट रे चल रहे हैं, तो इस केस में आपको प्लस आर लेना है। और यहाँ आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या लेंगे? वाटर एन ग्लास, ग्लास एन वाटर, वाटर एंड ग्लास, वाटर ऑब्वियसली वाटर साइड से रे को चलाए हैं, ग्लास साइड में लेते हैं, वाटर एन ग्लास, यानी पूरे डेरिवेशन में जो एन होगा भले ना आपको दिख रहा हो लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आप इसको वाटर एन ग्लास लेंगे। अगर जरूरत पड़े इसकी वैल्यू की तो खुल जाएगा ग्लास अपान वाटर। अब चाहे ग्लास हो चाहे वाटर हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ए के रिस्पेक्ट में दिए जाते हैं। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रिस्पेक्ट में दिए जाते हैं एयर के रिस्पेक्ट में, तो वाटर एंड ग्लास का मतलब है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का अगर स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ करने के लिए कह रहा है तो ग्लास का जो हमारे पास वैल्यू है वो ग्लास की वैल्यू है 1.5 और वाटर की वैल्यू है 1.33। आपको एन की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से मिल गई, अप्रोक्सीमेट 1.3 के आसपास ही आएगी। तो साइन कन्वेंशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। चलिए ठीक है, तब हम पांच नंबर के डेरिवेशन के लिए स्ट्रगल करने जा रहे हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एग्जाम में नाम रख के मांगता है तो देखिएगा, नाम का ध्यान दीजिएगा। अगर कॉन्वेक्स बोल रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स साइड में होगा, अगर कॉन्केव बोल रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉन्केव साइड में होगा, ये मतलब होता है। तो चलिए स्लो प्रोसेस में आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसी पर ढेर सारे न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा आईआईटी में न्यूमेरिकल पूछा है। ऐसा नहीं है कि कठिन है, दिक्कत वही साइन कन्वेंशन और एन की है कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि साइन कन्वेंशन का क्या। तो हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे यहाँ कि साइन कन्वेंशन में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और ना आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन लिखने में। तो हमने कॉनकेव, हमने कॉनकेव सरफेस की बात की, यानी हम डेरिवेशन लेने जा रहे हैं। आपको जो प्रिंटेड मिला है उसमें लिखा होगा रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रू कॉनकेव स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ये इस नाम से मिलेगा। तो चलिए हम दोबारा डायग्राम बना रहे हैं, ये कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव बोल दिए तो कन्फर्म है ऑब्जेक्ट इस साइड होगा। आप एक लाइन खींचिए, वो लाइन इस सरफेस के सेंटर और पोल से होकर जाने वाली है। चलिए मान लिया ये सेंटर है, चलिए मान लिया ये पोल है, नाउ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मान लिया डेंसर है तो टू हो जाएगा, और ये मान लिया रेयरर है तो इसको नाम में वन कहेंगे, दिस इज वन एंड दिस इज टू। देखते रहिएगा, आप ऑब्जेक्ट ओ से बहुत सारी रेज चला सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओ से बहुत सारी रेज में आप एक रे लीजिए कॉल्ड फलनवारी, आगे चलते चिन्हवा और ढिमकवा भी आएंगे, फिलहाल आप यहां एक रे लीजिए कॉल्ड फलनवारी, जाने दीजिए। अब ये जैसे ही यहां टच की से द पॉइंट इज ए, अब रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्केल रख के ए को ज्वाइन करना चाहिए। जैसे ही ज्वाइन करेंगे नाउ दिस बिकम द नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल दिस। अब आपको पता बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ये लाइट रे सीधी नहीं जा पाएगी, ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, इस दिस ऐसे निकल जाएगी दिस, और एक आपको लेना है नॉर्मल इंसिडेंस, ये लेंगे आप तो हो जाएगा नॉर्मल इंसिडेंस, ये डबल एरो, ये सीधी निकल जाएगी लाइक दिस। तो ये तो पहले भी बनाए थे आप, बेस्ट निकल गई है, जाने दीजिए। अब रियल इमेज तो बनी नहीं, इसको बैक साइड प्रोड्यूस कीजिए। अगर आप बैक साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, तो आपको इसकी इमेज बनती हुई दिखेगी। अगर हम
इस हाँ हेलो हेलो ये यहाँ आपको इमेज मिलेगी आई दस यहाँ मिलेगी इमेज आई ठीक है। अब हमने अल्फा डिग्री पर से अल्फा डिग्री पर ऑब्जेक्ट से रे लिया ठीक है, हमें बीटा डिग्री पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल खींचना पड़ा एंड गामा डिग्री पर रे कलेक्ट हुई और हमें इमेज मिल गई। अब आपको यूवी और आर चाहिए विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, सी पर मेंटेन होइए, सी तक चलकर आइए, अगेंस्ट टू द लाइट रे चलकर आएंगे माइनस आर, आप पी पर मेंटेन होइए, इमेज तक चलकर आइए, अपोजिट टू द लाइट रे चलकर आएंगे, दिस विल बी द माइनस वी, एंड पोल पर मेंटेन होइए, चलकर ऑब्जेक्ट तक आइए, अगर ऐसा है तो आप पोल पर मेंटेन है, यहां मेंटेन है, चलकर आएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ऐसे चलकर आएंगे अपोजिट टू द लाइट रे चल रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस यू दिस, और आप वन से टू की तरफ लाइट रे ले गए हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वन एन टू, इतना क्लियर है, इतना तो पहले भी देखा हम लोगों ने, यहां तक क्लियर है सर? आप चलिए ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आते हैं एंगल के बारे में। आप जरा ध्यान से देखिए, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचा आपने वो नॉर्मल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो खींचा नॉर्मल, और ऑब्जेक्ट वाली रेस के बीच में जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोबारा सुन लीजिए, ऑब्जेक्ट और नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, क्लियर है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉर्मल को ज्वाइन करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और इमेज और नॉर्मल को ज्वाइन करेंगे, ये बीच वाली इमेज रे है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर, यहां तक क्लियर है? Yes. तो आई और आर भी इसमें आ गए, आपको एक परपेंडिकुलर खींचना चाहिए क्योंकि तो ये कर्व्ड है, अगर हम बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट लेते तो कर्व्ड नहीं फ्लैट दिखता, जैसे आपको गोल थोड़े ना दिखती है, आपका जो फेसिंग पार्ट है वो तो हमें एक छोटा सा सरफेस दिखाई देता है, अलग बात है कि आप फाड़ फाड़ के देखेंगे तो पूरी स्टेरिसिटी आपको फील होगी। तो यहाँ अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे ऑन दिस दिस से, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज द एम, दिस इज द एम, यानी कि एम और पी हम मान रहे हैं कि नेग्लिजिबल है बीच की डिस्टेंस, अगर एम तक का कोई मेजरमेंट है तो उसको हम अप टू द पी तक का मेजरमेंट ले सकते हैं, क्लियर है इतना? हेलो हेलो हम कह रहे हैं ना कि ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, तो जब ये पी की बात आएगी तो ए टू पी तो पार्ट ऑफ स्फीयर है ना, तो ट्रायंगल हमें चाहिए था, हमने ए से परपेंडिकुलर खींचा तो प्रिंसिपल एक्सिस को एम पर टच कर गया। अब हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, कि जो एम तक का मेजरमेंट होगा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से एम, इमेज से एम, क्योंकि हमको तो ट्रायंगल चाहिए, ऑब्जेक्ट से एम, तो M तक का जो मेजरमेंट होगा उसको M ना कह के P भी कह ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज टू स्मॉल, ये नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस, यानी मेजरमेंट सारे M तक के होंगे ताकि ट्रायंगल बने, लेकिन हम उसको P तक का मानेंगे। अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छी बात है। अब देखिए पांच नंबर का डेरिवेशन देखिए सीबीएसई में, एंड सेवन एंड हाफ मार्क्स का डेरिवेशन देखिए आईएससी के लिए। स्टेप वन, वन एन टू साइन आई बाई साइन आर, क्यों यही था ना कि आई वाज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर वाज द रिफ्रैक्शन, सो स्टेप वन इज वन एन टू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, वन एंड टू को आगे चल के हम सिर्फ एन लिखेंगे क्योंकि वो तो न्यूमेरिकल लगाने जाएंगे तो देखेंगे कि वो जो एन है वो वन एन टू है कि टू एन वन है, तो वन एंड टू को हम एन लिखेंगे सिर्फ, इज इक्वल टू एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, और एंगल स्मॉल होते हैं तो
तो साइन ऑफ आई बिकम्स आई एंड साइन ऑफ आर बिकम्स आर. आंख का जो ब्लैक प्यूपिल है जो लाइट को कलेक्ट करता है वो सोचिए उसमें क्या दिख रहा है. अच्छा ये जो लिखे हैं ये नहीं दिख रहा है. नहीं. अच्छा ठीक है और बड़ा लिखते हैं. ठीक है तो ये हम कह रहे हैं एन को एन लिखेंगे दिस एंड साइन आई को हम आई लिखेंगे दिस साइन आर को हम आर लिखेंगे एज दिस. अभी ठीक है ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन. आई आई इज इक्वल टू अनार. आई इज इक्वल टू अनार पहला इक्वेशन है. स्नेल्स लॉ अपीयर्स लाइक दिस फॉर स्पेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. जो आंख से आप देखते हैं उसमें जो लाइट रे एंटर करती है नॉर्मल के रिस्पेक्ट में उसका एंगल होता है आई और जब रिफ्रैक्ट होती है तो रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के रिस्पेक्ट में एंगल होता है आर. तो यहां हो जाएगा आई इज इक्वल टू अनार. पहला स्टेप क्लियर है. चलिए ठीक है आ जाइए दूसरा स्टेप. दूसरा स्टेप ये है कि ध्यान से देखिए अल्फा डिग्री प्लस आई डिग्री इज इक्वल टू बीटा डिग्री. अरे इंटीरियर का सम इज इक्वल टू एक्सटीरियर. देखिए ये अल्फा डिग्री है ये अल्फा डिग्री है ये आई डिग्री है. ठीक है इज इक्वल टू दिस बीटा डिग्री. तो आपके पास दूसरा इक्वेशन है. नोट्स जो दिए हैं प्रिंटेड हो सकता है अल्फा ये हो बीटा मतलब एंगल इधर उधर हो जाएगा क्योंकि हम देख के तो पढ़ा नहीं रहे लेकिन पर्पस तो वही है. आप अल्फा बीटा गामा लिखे चाहे अल्फा गामा बीटा लिखे चाहे थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री लिखिए डायग्रामो यही बनेगा. पैरामीटर इतने ही आएंगे. अल्फा गामा बीटा हमने लिखा हो सकता है प्रिंटेड में अल्फा बीटा गामा हो तो ये तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है. आप देख लीजिएगा किसको अल्फा माना गया किसको बीटा माना गया. फिलहाल हम कह रहे हैं कि ये वाला ट्रायंगल देखिए ये वाला ट्रायंगल हम इसको डार्क कर रहे हैं. ये वाला ट्रायंगल देखिए दिस दिस एंड दिस दिख रहा है. दिस इज अल्फा डिग्री दिस इज आई डिग्री एंड दिस इज बीटा. तो अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा यानी कि फर्स्ट स्टेप के लिए स्ट्रगल कर चुके सेकंड स्टेप के लिए हम स्ट्रगल करने जा रहे हैं. सेकंड स्टेप के लिए स्ट्रगल है अल्फा प्लस आई रिकॉर्ड. हाँ ये रिकॉर्ड होने लगा. चलिए ठीक है यहाँ से तो फिर ये अपलोड कर देंगे हम तो जिसका छूट रहा होगा वो कवर कर लेगा दोबारा. ठीक है तो हमने अभी फिलहाल यहाँ एक सरफेस ली है एस पी एस डैश सेपरेटिंग द टू मीडिया. इस साइड रेयरर है दिस इज वन एंड इस साइड डेंसर है दिस इज टू. और अब हम ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज ले सकते थे. ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज में से हमने एक रे ली डैश टचिंग द एसपीएस डैश एस ए. नाउ अब आपको पता है कि यहाँ रेयरर टू डेंसर का मोमेंट है तो रेयरर टू डेंसर के लिए नॉर्मल ढूंढिए नॉर्मल की तरफ लाइट रे को बेंड कर दीजिए. अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ए को ज्वाइन करते तो हमें मिल जाता नॉर्मल. नाउ दिस लाइन विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल. ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा. अभी जो ये रे है डैश इसको जाना तो ऐसे था डैश बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगे तो ऐसे निकल गई. मीन्स दिस रे is going along OA and after touching the OA after touching at A coming from O bends towards the normal और normal की तरफ bend हुई तो normal की तरफ bend हुई तो ऊपर की तरफ blue है तो उस side जो है ये bend हो गई. और अब अगर हम एक normal incidence बना लें this is a normal incidence ये सीधी निकलने वाली है that is called normal incidence. ये पोल से होके चली गई ये सीधी फिर आपको रियल इमेज नहीं मिलेगी. देखिए ये दिस इज गोइंग टू डाइवर्ज लाइक दिस. अब अगर हम इसको बैक साइड प्रोड्यूस करें इसको बैक साइड प्रोड्यूस करें तो जैसे ही हम बैक साइड प्रोड्यूस करेंगे देखिए ये स्केल रख के आपको आदत बनानी होगी मुझे पता है तो अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट बन रहा है दिस. यहां आपको इमेज मिलेगी. इसका मतलब है जब ये ऑब्जर्वर एसपीएस डैश के थ्रू ओ को देखेगा तो उसे फाइनल इमेज एट आई पर मिलेगी. आप देख रहे हैं
कॉन्वेक्स के केस में जो ओ है वो रिफ्रैक्शन के बाद फेंका गया है अवे टू द ऑब्जर्वर यानी आई पर, और अगर वही चीज कॉन्केव है ऑब्जेक्ट जिस साइड है उस साइड से नाम रखते हैं तो दिस इज द कॉन्केव। तो अगर ये कॉन्केव है तो उस केस में आप देख रहे हैं कि जैसे ही ऑब्जर्वर एसपीएस डैश के थ्रू ओ को देखेगा ओ मूव टुवर्ड द सरफेस एंड अपीयर्स एट आई। दिस टू डायग्राम्स आर द रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब चलिए साइन कन्वेंशन पर कमांड कर लेते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बीच में। चलिए साइन कन्वेंशन आइए, साइन कन्वेंशन में आप हमेशा अपने आप को पोल पर मेंटेन रखिए, हमेशा हम आपको चार पांच अच्छे तगड़े न्यूमेरिकल लगा के दिखाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, आप कभी कंफ्यूज ना हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन एन टू है कि टू एन थ्री है कि थ्री एन टू है कि टू एन वन है। एक कमांड देंगे और दूसरा कमांड ये देंगे कि आप बहुत आसानी से साइन चूज कर पाएंगे विदाउट एनी एरर। फिलहाल आप पोल पर मेंटेन हो जाइए। अब पोल पर मेंटेन होने के बाद जिस डिस्टेंस को आप यूज करना चाहते हैं उसका साइन आप देखिए, प्लस लेना है या माइनस। रूल ये है कि अगर आप लाइट रे के डायरेक्शन में चलते हैं किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो आपको पॉजिटिव लेना चाहिए, और अगर किसी पॉइंट तक चलकर आप गए अपोजिट टू द लाइट रे चलना पड़ा है तो उस केस में आप साइन नेगेटिव लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ अगर आप चलते हैं मेजरमेंट के लिए तो पॉजिटिव लीजिए, नीचे उतरते हैं तो नेगेटिव लीजिए। ये तो मैथमेटिक्स की तरह हो गया, एक्स क्वाड्रेंट वाई क्वाड्रेंट वाला चक्कर है। जैसे ये एक्स एक्सिस होता है जैसे ये, हाँ हाँ रेड वाला नहीं दिख रहा है मुझे याद आ गया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव होता है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव होता है, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव होता है, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव होता है। यही तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती है। तो दोबारा आइए, साइन कन्वेंशन यहाँ क्या कहता है, साइन कन्वेंशन ये कहता है कि अगर आप पोल पर मेंटेन है, चलिए आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस आर की वैल्यू पुट करनी है, पोल पर खड़े हो जाइए, चलकर सी तक जाइए, पी से सी तक जाएंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे चले हैं, मीन्स यहां से यहां तक के लिए जब आप चलेंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे चले हैं, आर जहां भी पुट होगा उसकी वैल्यू प्लस साइन के साथ पुट की जाएगी, प्लस आर। पोल पर मेंटेन हो जाइए, अप टू ऑब्जेक्ट तक चलकर आइए, ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को आप यू कहते थे, देख रहे हैं पोल पर खड़े हैं ऑब्जेक्ट तक चलकर आएंगे तो ऐसे चलकर आएंगे दैट इज नेगेटिव, अपोजिट टू द लाइट रे चलते हैं तो वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे चलते हैं तो वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं। दिस मीन्स दैट पोल पर मेंटेन होइए, चल कर आइए ऑब्जेक्ट तक, अगेंस्ट टू द लाइट रे चल रहे हैं तो दिस इज द माइनस यू, यानी जो फार्मूला होगा उसमें जब पुट करने की बात आएगी आप पुट करेंगे वैल्यू तो वैल्यू पुट करते ही ये वैल्यू आपको नेगेटिव U की वैल्यू नेगेटिव पुट करनी होगी। जब V की बात होगी तो V के केस में देखिए अगेन पोल पर मेंटेन हो जाइए, चल कर आइए अप टू द इमेज आई, जब चल कर आप आएंगे तो देख रहे हैं रे तो ऐसे जा रही है और आना ऐसे है, दिस मीन्स दैट इमेज डिस्टेंस V इज टू बी टेकन एज नेगेटिव। अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट को ऐसे बना दें तो अप साइड इट इज पॉजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट को हम ऐसे बना दें तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव। इसी तरह यहाँ इमेज अगर ऐसे बनी होगी दिस, तो दिस विल बी द नेगेटिव डाउन साइड दैट इज नेगेटिव इमेज, यानी कि इमेज की जो लेंथ होगी उसको हम नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। हाँ प्रथम कुछ पूछना है क्या? हाँ देखिए प्रथम ये जो इमेज को, इमेज अगर लेफ्ट साइड बन रही है जहाँ इमेज पहले बन थी तो सर नीचे तो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? साउंड के लिए नहीं आ रहा है, तो बोलो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है तो उसको नेगेटिव लेंगे, और ऊपर बन रही है तब ऊपर बनती है जैसे जो इमेज बनेगी जैसे कहते हैं ना इन्वर्टेड इमेज, तो इन्वर्टेड इमेज जब वर्ड आएगा तो मतलब नेगेटिव, और जब इरेक्ट इमेज आएगा तो इरेक्ट इमेज मतलब वर्ड पॉजिटिव। तो बता तो रहे हैं दिस इज इरेक्ट, दिस इज इन्वर्टेड, दिस इज इन्वर्टेड, दिस इज इरेक्ट,
जो जिसका एरो अवे टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा अप वो पॉजिटिव होंगी, और जो यानी बोर्ड या कापी पर दो ही तरह से इमेज बनेगी, या तो एरो अप बनेगी या एरो डाउन बनेगी, इमेज चाहे ऑब्जेक्ट। अगर एरो अप है तो इस टू बी रिटेन एज पार्ट, ये नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ये मतलब नहीं है। मतलब है एरो अप, एरो अप है तो आपको पॉजिटिव लेना है ऑब्जेक्ट इमेज जो भी है, एरो डाउन है तो नेगेटिव लेना है। वो ऑब्जेक्ट का था, यही चीज इमेज के लिए है। अगर इमेज में एरो डाउन है तो इमेज इज इन्वर्टेड, और अगर एरो अप है तो मतलब इमेज इज इरेक्ट। इससे नहीं मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। क्लियर है? यस सर। हाँ तो ठीक है, वापस आ जाइए यहाँ पे, आप फिर पोल पर मेंटेन हो जाइए, चल कर आइए सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो अगेंस्ट चल रहे हैं माइनस रेडियाई ऑफ कर्वेचर, यानी जब आर की वैल्यू पुट करने जाएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। फिर पोल पर खड़े हो जाइए, चल कर आइए इमेज तक, इमेज तक चल कर आएंगे तो आप ऐसे चल कर आएंगे। हर बार आपको पोल पर मेंटेन होना है, चल कर आना है। अगर इन द डायरेक्शन आप लाइट रे चल रहे हैं तो प्लस ले लीजिएगा, अपोजिट टू द लाइट रे चल रहे हैं तो माइनस ले लीजिएगा। अब पोल से चल कर आएंगे इमेज तक, तो ऐसे चल कर आएंगे तो दिस बिकम्स नेगेटिव वी। पोल पर खड़े हैं आप, चल कर ऐसे आएंगे तो इस केस में आपको लेना होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज द माइनस यू। अब हम आपको प्रैक्टिस करा दें, दो तीन डायग्राम में हम यू वी आर लिख दे रहे हैं, रे की डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं, और अब आपसे पूछ रहे हैं कि यू पॉजिटिव है कि यू नेगेटिव है, कि वी पॉजिटिव है कि यू नेगेटिव है। देखिए क्या आप बता पा रहे हैं, अगर हाँ तो फिर हम डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं तो वापस हम साइन कन्वेंशन क्लियर करेंगे। तो जरा बना लेते हैं एक डायग्राम, और उसमें आपको हम आपसे पूछते हैं कि U प्लस है माइनस है, R प्लस है माइनस है, ऑब्जेक्ट प्लस है माइनस है, इमेज प्लस है माइनस है। देखिए बता पाते हैं आप, सॉरी रेड से नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा नाउ सेपरेटिंग, नाउ ऑब्जेक्ट इज दिस, रे इज दिस, इमेज इज दिस, सेंटर इज दिस, ऑब्जेक्ट इज दिस एंड इमेज इज दिस। चलिए बताइए मुझे, अगर लाइट रे ऐसे चल रही है एंड दिस इज द पोल, आप पोल पर आए हैं, तो इमेज डिस्टेंस जो होगी वो प्लस होगी कि माइनस? नेगेटिव। सही है, जब पोल पर आप मेंटेन हो जाओगे और चलकर इमेज तक जाओगे तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेवलिंग लाइट रे अगेंस्ट हो गया नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगी, तब तो हो जाएगी। यस सर। ऑब्जेक्ट लेंथ आपको क्या लेना है, प्लस की माइनस, ये लेंथ प्लस लेना है कि माइनस लेना है? पॉजिटिव लेना है। हाँ ऑब्वियसली ये पॉजिटिव इसलिए लेना है क्योंकि एरो अप, हमेशा एरो अप कॉल्ड इरेक्ट, यानी हमने ऑब्जेक्ट इरेक्ट लिया है, तो इसकी वैल्यू अगर कहीं पुट करनी पड़ी ऑब्जेक्ट लेंथ की वैल्यू, तो प्लस जो भी होगा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर वो हम पुट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को क्या लेंगे, प्लस की माइनस? प्लस, पॉजिटिव। सही है, हम पोल पर मेंटेन हो जाएंगे, चल कर आएंगे तो ऐसे पहुंचेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे पड़ गए तो ये हम लेंगे प्लस आर। ना हमने कहा कि ये इमेज है हवा में ऐसे दिख रही है, तो इस इमेज की ये लेंथ है, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो इसको प्लस वैल्यू के साथ रखेंगे कि माइनस वैल्यू के साथ? माइनस। नेगेटिव, जब इन्वर्जन हो जाता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर मैं कहता दिस इज द टू मीडिया टू एंड दिस इज द मीडिया वन एंड रे रनिंग फ्रॉम दिस टू दिस, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लिखते थे वो क्या लिखेंगे, 1n 2 लिखेंगे कि 2n 1 लिखेंगे? 2n 1। ऑब्वियसली इस डेरिवेशन में जहां जहां n आएगा वो n होगा, 2 से 1 में जा रहे हैं, सो दिस इज द 2n 1। नाउ 2n 1 प्लस r प्लस v प्लस u, सॉरी माइनस था यहाँ से, माइनस वी, हाँ ठीक है, माइनस यू एंड प्लस आर, रिलेशन बिटवीन द
R, V, U and N is called refraction formula through spherically refracting surface. Clear है? अब आप ये बताइए इस सरफेस का नाम कॉन्वेक्स रखें कि कॉन्केव रखें, सोच के बताइएगा. ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स ऑब्वियसली. इधर से जब आप देखेंगे ऐसे तो नाउ दिस दिस बिकम्स अ कॉन्वेक्स, ये आपको कॉन्वेक्स दिखेगा. सही है? तो आपको आ तो गया साइन कन्वेंशन. हमको तो नहीं समझ में आया था, आज तक कभी नहीं समझ में आया. पढ़ाना अलग बात है कि पढ़ा देते हैं लेकिन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. ठीक है, चलिए एक बार और आपको एक बार और दिखाते हैं. एक सरफेस हमारे पास है, दिस ये वाटर है एंड दिस इज ग्लास. वाटर को W लिखते हैं, ग्लास को G लिखते हैं. हमने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा O, ठीक है. इमेज ऐसे बन गई I, ठीक है. इसका सेंटर ढूंढा तो सेंटर हो गया दिस, ठीक है. ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इधर है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर है, तो ऑब्जेक्ट रे ऐसे चली होगी, यानी ये रे की डायरेक्शन है. अब मुझे बताइए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट लेंथ lo, इमेज लेंथ li और रेडियस ऑफ कर्वेचर r, किसके आगे प्लस लगाए किसके आगे माइनस लगाए. u के आगे प्लस लगेगा या माइनस, v के आगे प्लस लगेगा या माइनस. नेगेटिव. चलिए ये पोल हो गया, हाँ पोल हो गया. खड़े होइए यहाँ पे, चल कर आएंगे तो अपोजिट टू द लाइट रे चल कर आए. पोल पर मेंटेन हो जाइए, इमेज तक चल कर आइए, अपोजिट टू द लाइट रे चल कर आए. माइनस बी माइनस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस या माइनस. माइनस माइनस ऑब्वियसली माइनस, इसलिए क्योंकि इन्वर्टेड है. इसके नहीं मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, मतलब ये है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड है, ठीक है. और इमेज लेंथ ऑफ इमेज प्लस लेना है कि माइनस. माइनस माइनस लेना है, इन्वर्टेड है तो दिस इज माइनस एल आई. आर प्लस लेना है कि आर माइनस लेना है. पॉजिटिव प्लस. सही है, पी पर मेंटेन हो जाइए, चल कर जाएंगे सेंटर आप कर वेचर तक, तो इन द डायरेक्शन आप सी मेंटेन है. और अगर अप टू सी तक पहुंचने में इन द डायरेक्शन आप लाइट चल रहे हैं आप, तो अगर पी से सी की तरफ जा रहे हैं तो इन द डायरेक्शन आप लाइट रे चल रहे हैं, तो इस केस में आपको प्लस आर लेना है. और यहाँ आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या लेंगे, वाटर एन ग्लास, ग्लास एन वाटर, वाटर एंड ग्लास. ऑब्वियसली वाटर साइड से रे को चलाए हैं, ग्लास साइड में लिखते हैं वाटर एन ग्लास. यानी पूरे डेरिवेशन में जो एन होगा भले ना आपको दिख रहा हो लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आप इसको वाटर एन ग्लास लेंगे. अगर जरूरत पड़े इसकी वैल्यू की तो खुल जाएगा ग्लास अपान वाटर. अब चाहे ग्लास हो चाहे वाटर हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ए के रिस्पेक्ट में दिए जाते हैं. तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रिस्पेक्ट में दिए जाते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में, तो वाटर एंड ग्लास का मतलब है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ग्लास का अगर स्टैंडर्ड वैल्यू ऑप्ट करने के लिए कह रहा है तो ग्लास का जो हमारे पास वैल्यू है वो ग्लास की वैल्यू है 1.5 और वाटर की वैल्यू है 1.33. आपको एन की न्यूमेरिकल वैल्यू यहां से मिल गई, अप्रोक्सीमेट 1.3 के आसपास ही आएगी. तो साइन कन्वेंशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर. चलिए ठीक है, तब हम पांच नंबर के डेरिवेशन के लिए स्ट्रगल करने जा रहे हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस. एग्जाम में नाम रख के मांगता है तो देखिएगा नाम का ध्यान दीजिएगा. अगर कॉन्वेक्स बोल रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स साइड में होगा,
अगर कॉन्केव बोल रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉन्केव साइड में होगा, ये मतलब होता है। तो चलिए स्लो प्रोसेस में आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसी पर ढेर सारे न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा आईआईटी में न्यूमेरिकल पूछा है। ऐसा नहीं है कि कठिन है, दिक्कत वही साइन कन्वेंशन और एन की है, कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि साइन कन्वेंशन का क्या। तो हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे यहाँ कि साइन कन्वेंशन में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और ना आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन लिखने में। तो हमने कॉनकेव, हमने कॉनकेव सरफेस की बात की, यानी हम डेरिवेशन लेने जा रहे हैं। आपको जो प्रिंटेड मिला है उसमें लिखा होगा रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रू कॉनकेव स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ये इस नाम से मिलेगा। तो चलिए हम दोबारा डायग्राम बना रहे हैं। ये कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव बोल दिए तो कन्फर्म है ऑब्जेक्ट इस साइड होगा। आप एक लाइन खींचिए, वो लाइन इस सरफेस के सेंटर और पोल से होकर जाने वाली है। चलिए मान लिया ये सेंटर है, चलिए मान लिया ये पोल है। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मान लिया डेंसर है तो टू हो जाएगा, और ये मान लिया रेयरर है तो इसको नाम में वन कहेंगे। दिस इज वन एंड दिस इज टू, देखते रहिएगा। आप ऑब्जेक्ट ओ से बहुत सारी रेज चला सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओ से बहुत सारी रेज में आप एक रे लीजिए कॉल्ड फलनवारी। आगे चलते चिन्हवा और ढिमकवा भी आएंगे, फिलहाल आप यहां एक रे लीजिए कॉल्ड फलनवारी, जाने दीजिए। अब ये जैसे ही यहां टच की से द पॉइंट इज ए, अब रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्केल रख के ए को ज्वाइन करना चाहिए। जैसे ही ज्वाइन करेंगे नाउ दिस बिकम्स द नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल दिस। अब आपको पता है बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ये लाइट रे सीधी नहीं जा पाएगी, ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, इस दिस ऐसे निकल जाएगी दिस। और एक आपको लेना है नॉर्मल इंसिडेंस, ये लेंगे आप तो हो जाएगा नॉर्मल इंसिडेंस, ये डबल एरो, ये सीधी निकल जाएगी लाइक दिस। तो ये तो पहले भी बनाए थे आप, दिस निकल गई है, जाने दीजिए। अब रियल इमेज तो बनी नहीं, इसको बैक साइड प्रोड्यूस कीजिए। अगर आप बैक साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, तो आपको इसकी इमेज बनती हुई दिखेगी। अगर हम इस हाँ हेलो हेलो, ये यहां आपको इमेज मिलेगी आई, दिस यहां मिलेगी इमेज आई, ठीक है। अब हमने अल्फा डिग्री पर से अल्फा डिग्री पर ऑब्जेक्ट से रे लिया, ठीक है, हमें बीटा डिग्री पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल खींचना पड़ा, एंड गामा डिग्री पर रे कलेक्ट हुई और हमें इमेज मिल गई। अब आपको यू वी और आर चाहिए विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, पी पर मेंटेन होइए, सी तक चलकर आइए, अगेंस्ट टू द लाइट रे चलकर आएंगे माइनस आर। आप पी पर मेंटेन होइए, इमेज तक चलकर आइए, अपोजिट टू द लाइट रे चलकर आएंगे, दिस विल बी द माइनस वी। एंड पोल पर मेंटेन होइए, चलकर ऑब्जेक्ट तक आइए, अगर ऐसा है तो आप पोल पर मेंटेन है, यहां मेंटेन है, चलकर आएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ऐसे चलकर आएंगे अपोजिट टू द लाइट रे चल रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस यू दिस। और आप वन से टू की तरफ लाइट रे ले गए हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वन एन टू, इतना क्लियर है, इसका तो पहले भी देखा हम लोगों ने, यहां तक क्लियर है। चलिए ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आते हैं एंगल के बारे में। आप जरा ध्यान से देखिए, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचा आपने वो नॉर्मल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो खींचा नॉर्मल, और ऑब्जेक्ट वाली रेज के बीच में जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। दोबारा सुन लीजिए, ऑब्जेक्ट और नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, क्लियर है। ऑब्जेक्ट और नॉर्मल को ज्वाइन करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा,
और इमेज और नॉर्मल को ज्वाइन करेंगे, ये बीच वाली इमेज रे है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर। यहां तक क्लियर है? Yes. तो आई और आर भी इसमें आ गए। आपको एक परपेंडिकुलर खींचना चाहिए क्योंकि तो ये कर्व्ड है। अगर हम बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट लेते तो कर्व्ड नहीं, फ्लैट दिखता, जैसे आपको गोल थोड़े ना दिखती है। आपका जो फेसिंग पार्ट है वो तो हमें एक छोटा सा सरफेस दिखाई देता है, अलग बात है कि आप फाड़ फाड़ के देखेंगे तो पूरी स्फेरिसिटी आपको फील होगी। तो यहाँ अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे ऑन दिस दिस से, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज द एम, दिस इज द एम, यानी कि एम और पी हम मान रहे हैं कि नेग्लिजिबल है बीच की डिस्टेंस। अगर एम तक का कोई मेजरमेंट है तो उसको हम अप टू द पी तक का मेजरमेंट ले सकते हैं। क्लियर है इतना? हेलो हेलो, कह रहे हैं ना कि एंगल बनाना चाहते हैं, तो जब ये पी की बात आएगी तो ए टू पी तो पार्ट ऑफ स्फीयर है ना, तो ट्रायंगल हमें चाहिए था, हमने ए से परपेंडिकुलर खींचा तो प्रिंसिपल एक्सिस को एम पर टच कर गया। अब हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, कि जो एम तक का मेजरमेंट होगा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से एम, इमेज से एम, क्योंकि हमको तो ट्रायंगल चाहिए, ऑब्जेक्ट से एम, तो एम तक का जो मेजरमेंट होगा उसको एम ना कह के पी भी कह ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज टू स्मॉल, ये नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस, यानी मेजरमेंट सारे एम तक के होंगे ताकि ट्रायंगल बने, लेकिन हम उसको पी तक का मानेंगे। अभी क्लियर है? यस सर। यस सर, अच्छी बात है। अब देखिए पांच नंबर का डेरिवेशन देखिए सीबीएसई में, एंड सेवन एंड हाफ मार्क्स का डेरिवेशन देखिए आईएससी के लिए। स्टेप वन, वन एन टू साइन आई बाई साइन आर, क्यों यही था ना कि आई वाज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर वाज द रिफ्रैक्शन, तो स्टेप वन इज वन एन टू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। वन एंड टू को आगे चल के हम सिर्फ एन लिखेंगे क्योंकि वो तो न्यूमेरिकल लगाने जाएंगे तो देखेंगे कि वो जो एन है वो वन एन टू है कि टू एन वन है, तो वन एंड टू को हम एन लिखेंगे सिर्फ, इज इक्वल टू एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, और एंगल स्मॉल होते हैं तो साइन ऑफ आई बिकम्स आई एंड साइन ऑफ आर बिकम्स आर। आंख का जो ब्लैक प्यूपिल है जो लाइट को कलेक्ट करता है वो सोचिए उसकी क्या दिख रहा है। अच्छा ये जो लिखे हैं ये नहीं दिख रहा है? नहीं। अच्छा ठीक है, और बड़ा लिखते हैं ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं एन को एन लिखेंगे दिस, एंड साइन आई को हम आई लिखेंगे दिस, साइन आर को हम आर लिखेंगे एज दिस। अभी ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। आई आई इज इक्वल टू अनार, I is equal to anar, पहला इक्वेशन है। स्नेल्स लॉ अपीयर्स लाइक दिस फॉर स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, जो आंख से आप देखते हैं उसमें जो लाइट रे एंटर करती है नॉर्मल के रिस्पेक्ट में उसका एंगल होता है I, और जब रिफ्रैक्ट होती है तो रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के रिस्पेक्ट में एंगल होता है R, तो यहाँ हो जाएगा I is equal to anar, पहला स्टेप क्लियर है? क्लियर है? चलिए ठीक है, आ जाइए दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि ध्यान से देखिए, अल्फा डिग्री प्लस आई डिग्री इज इक्वल टू बीटा डिग्री, अरे इंटीरियर का सम इज इक्वल टू एक्सटीरियर, देखिए ये अल्फा डिग्री है, ये अल्फा डिग्री है, ये आई डिग्री है, ठीक है, इज इक्वल टू दिस बीटा डिग्री। तो आपके पास दूसरा इक्वेशन है, नोट्स जो दिए हैं प्रिंटेड, हो सकता है अल्फा ये हो बीटा, मतलब एंगल इधर उधर हो जाएगा क्योंकि हम देख के तो पढ़ा नहीं रहे, लेकिन पर्पस तो वही है, आप अल्फा बीटा गामा लिखे चाहे अल्फा गामा बीटा लिखे चाहे थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री लिखिए, डायग्रामो यही बनेगा, पैरामीटर इतने ही आएंगे, अल्फा गामा बीटा हमने लिखा हो सकता है प्रिंटेड में अल्फा बीटा गामा हो, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप देख लीजिएगा किसको अल्फा माना गया किसको बीटा माना गया। फिलहाल हम कह रहे हैं कि ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल हम इसको डार्क कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल देखिए, दिस
this and this. दिख रहा है? This is alpha degree, this is I degree and this is beta. तो alpha plus I is equal to beta. यानी कि फर्स्ट स्टेप के लिए स्ट्रगल कर चुके, सेकेंड स्टेप के लिए हम स्ट्रगल करने जा रहे हैं. सेकेंड स्टेप के लिए स्ट्रगल है अल्फा प्लस आई.